हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपके फेसबुक अकाउंट में वीडियोस ऑटो प्ले हो रहे हैं तो उसको ऑफ कैसे कर सकते हैं। गाइस, फेसबुक वीडियोस को ऑटो प्ले ऑफ करने का फायदा ये होगा कि आपका डेटा जाया नहीं होगा और आपका फेसबुक तेज चलेगा। तो इसके लिए आपने अपने फेसबुक में वीडियोस को ऑटो प्ले ऑफ करना चाहिए। ऑटो प्ले ऑफ करने के बाद आपने जिस वीडियो को वॉच करना है उस वीडियो के ऊपर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आपका वीडियो प्ले हो जाएगी। आपने जिस वीडियो को नहीं देखना है उसके ऊपर आपने टैप नहीं करना है, वो ऑटो प्ले नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे भी वीडियोस ऑटो प्ले हो रहे हैं। तो मैं यहां पे आपको दिखाने के लिए वीडियो आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे वीडियोस भी ऑटो प्ले हो रहे हैं। तो आपके भी सेम इसी तरह ऑटो प्ले हो रहा है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के लिए आपको टॉप राइट साइड पे थ्री लाइन दिखेंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी दिखेगी, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स दिखेगी, इसके बाद आपने दोबारा सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया दिखेगा, मीडिया के ऊपर आपने क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो प्ले दिखेगा और इसके नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई। गाइस, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फेसबुक वीडियोस वाईफाई पे भी ऑटो प्ले होगा और डेटा पे भी ऑटो प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में ऑटो प्ले हो तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ऑन वाईफाई ओनली। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वाईफाई में ऑटो प्ले हो तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका डेटा पे ऑटो प्ले नहीं होगा, सिर्फ वाईफाई पे ऑटो प्ले होगा। और इसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है नेवर ऑटो प्ले वीडियोस। इसको जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी वीडियोस डेटा पे भी ऑटो प्ले नहीं होगी और वाईफाई पे भी, दोनों में ही ऑटो प्ले नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि डेटा और वाईफाई दोनों में ऑटो प्ले ना हो तो आप यहां से तीसरा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहां से तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारे वीडियोस अभी भी ऑटो प्ले हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम यहां से बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम यहां पे वीडियो आइकन पे क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियोस ऑटो प्ले नहीं हो रही है। तो मैं यहां पे एक वीडियोस को प्ले करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों यहां पे एक मेरे सामने एक वीडियो, इसको मैं प्ले करके दिखाऊंगा। तो प्ले करने के लिए इस वीडियो के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो प्ले हो चुकी है। तो इसी तरह आप अपने फेसबुक ऑटो प्ले को ऑफ कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।